अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ वाटरमेलन पॉप्सिकल की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। आप जब इसे बच्चों को बनाकर दोगे तो बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं ये वाटरमेलन यानी तरबूज की आइसक्रीम मैंने कैसे बनाई है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें। तो वाटरमेलन पॉप्सिकल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं तरबूज। इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए चीनी यानी शक्कर, और हमें चाहिए नमक, ये मैंने 2 पिंच लिया है, और ये मैंने नींबू लिया है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, ना डालना चाहे तो इसे स्किप कर दें। और इसे बनाने के लिए इस तरह के हमें आइसक्रीम मोल्ड्स चाहिए होंगे, ये बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं। तो देखिए इस तरह के ये राउंड शेप के मोल्ड्स हैं, और देखिए ये जो है ये स्क्वायर शेप में है। और भी कई तरह के मोल्ड्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ें चाहिए हमें तरबूज की आइसक्रीम बनाने के लिए। तो फिर चलिए हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जार ले लिया है और इसमें हम ये सारे तरबूज डाल देंगे, और इसी के साथ हम ये चीनी भी इसमें ऐड कर देंगे, नमक भी हम इसी के साथ डाल देंगे, और ये नींबू के कुछ ड्रॉप भी हम इसमें डाल देंगे। तो बस इतना ही नींबू हम इसमें ऐड करेंगे। तो नींबू ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है वो हल्का सा खट्टा मीठा हो जाएगा। अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, वरना ना करें, आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसे मिक्सी में चला लेंगे। इसे हमें बहुत ही स्मूथ ग्राइंड करना है। तो देखिए इसे हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे छान लेंगे एक बाउल में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तरबूज के जूस को अच्छी तरह से छान लिया है छन्नी से। इसे हमें छानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं छानेंगे तो फिर छोटे छोटे पीस तरबूज के आइसक्रीम में आएंगे तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसीलिए आपको छानना इसे ज़रूरी है। इसे छान लेने के बाद बस हमें ये आइसक्रीम मोल्ड ले लेना है और इसमें ये सारा जूस हमें भर देना है। तो देखिए इस तरह से हम सारा तरबूज का जूस इसमें भर देंगे। तो देखिए ये सारा जूस मैंने आइसक्रीम मोल्ड में भर लिया है। अब हम इसे बंद कर देंगे। तो अब हमारा सारा काम खत्म हो चुका है, तो इसे हम रख देते हैं डीप फ्रीजर में 5 से 6 घंटे के लिए। तो 6 घंटे बाद देखिए मैंने आइसक्रीम को फ्रिज से निकाल लिया है, ये पूरी तरह से जम चुकी है। तो अब हम इसे आइसक्रीम मोल्ड से निकाल लेते हैं। तो पहले हम आइसक्रीम मोल्ड को कुछ सेकंड्स के लिए पानी में रखेंगे। तो मैंने ये नॉर्मल पानी लिया है, तो इसे हम इस तरह से रख देंगे पानी में कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि ये जो आइसक्रीम है वो आइसक्रीम मोल्ड से आसानी से बाहर आ सके। तो कुछ सेकंड्स बाद हम निकाल देंगे इसे पानी से। तो अब हम ये आइसक्रीम मोल्ड से निकालेंगे। तो माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी हमारी ये आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। तो देखा ना आपने कितना आसान तरीके से ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है, और इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो आप इसे बच्चों को बनाकर दें, वो इसे बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फरहीन को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।